वाले हैं आर्चेस, थ्री इंच आर्चेस, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला हमको, थ्री इंच आर्चेस पैराबोलिक आर्चेस इज सपोर्टेड एट सेम लेवल। सेम लेवल मींस सिमेट्रिक है। यूडीएल जो कैरी करेगा वो थ्रू आउट द लेंथ कैरी करेगा आर्चेस एंड द सेंट्रल राइज। सेंट्रल जो राइज है, इफ सेंट्रल राइज इज हाफ, सेंट्रल राइज कितना है मतलब एच है, सेंट्रल राइज एच दिया हुआ है, गिवन है। इफ सेंट्रल राइज इज हाफ, प्रूव दैट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एच इज इक्वल टू 2H, मतलब लोअर हिंज गेट डबल, डबल होना चाहिए। मतलब अगर हम राइज को H by 2 करते, मतलब राइज जो है अगर आपका H by 2 होता तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा आपका, ये फाइंड करने बोला है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो आइए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो एट सेम लेवल बोला है, तो डायग्राम से आपको इजीली समझ में आएगा क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करने बोला है। नॉर्मल थ्रस्ट इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ठीक है, ये आपका यूडीएल कितना गिवन है डब्ल्यू, तो ये आपका हो गया डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और ये आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो आर्चेस में यहां पर कुछ नहीं है, मीन्स इंटरनल हिंज है, इसलिए आपको बताया गया कितना है, थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। तो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एंड सपोर्टेड एट सेम लेवल। सपोर्टेड जो है आपका, ये दोनों का सपोर्ट जो है सेम हाइट में, सपोर्ट भी आपका सेम लेवल में, और लेंथ कितना है एल, एल है, और आपका हाइट कितना गिवन है राइस एच, ठीक है। और आर्चेस में हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होता है वो टुवर्ड्स दी सपोर्ट होता है, ओके। और ये आपका वर्टिकल फोर्स, ये आपका वर्टिकल फोर्स, ये सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी, अगर मैं इसको एच ले लेता हूँ, ये भी आपका एच, ये आपका वी बी, और ये आपका वी ए, और यहाँ पर आपका ये सी हो गया, ठीक है। अभी हमको फाइंड करना है, मतलब प्रूफ करने बोला है, प्रूफ करने क्या बोला है, अगर हम इसको एच बाई टू लेते तो आपको जो है नॉर्मल थ्रस्ट क्या मिलेगा, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, मतलब कैसे आपको प्रूफ करना है, पहले अगर मैं लेता हूँ मूवमेंट एट सी, मूवमेंट एट सी लेता हूँ, तो मोमेंट समेशन ऑफ मोमेंट एट सी इक्वल्स टू जीरो, एज पर साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। तो अभी यहां पर वी है, वी अगर सिमेट्रिक है तो लोड आपका कितना गिरेगा, हाफ ऑफ लोड गिरेगा, अगर ये डब्ल्यू है, ठीक है, और यहां पर एल है, तो डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू, अब यहां पर हाफ लेंथ इसका, यहां पर एल बाई टू होगा, यहां पर एल बाई टू, हाफ ऑफ, और ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा, लोड हाफ ऑफ गिरेगा, तो डब्ल्यू इंटू, अभी अगर मैं यहां पर एक लोड लेता हूं, यहां पर एक लोड, तो अगर मैं डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, और यहां पर डब्ल्यू इंटू एल बाई टू बी बी, ठीक है, सिमेट्रिक है तो सेम आपका रिएक्शन आएगा। तभी यहां पर आप रिएक्शन लोगे कहां, मोमेंट कहां पर लोगे, सी पे, तो सी पे आप लोगे, तभी यहां एच नॉर्मल थ्रस्ट टुवर्ड दी सपोर्ट है, तो ये कैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है आपका नेगेटिव, तो माइनस एच इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर, मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लोड मिल गया अपने को एच, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका एच, ठीक है। अभी ये वी है, वी ए कैसा मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिया, अब वी ए, वी ए क्या है यहां पर डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू इंटू, ठीक है, इंटू क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, है ना, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, ये आपका लोड हो गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक ना, क्योंकि आपको सी पे लेना है, ठीक,
लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सेम ऐसी हॉरिजॉन्टल फोर्स का लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी पे आ रहा है ना आपका लाइन ऑफ एक्शन, अभी इतना हो गया, अभी इसका लेंगे इसका यूडीएल का, तो यूडीएल का कैसा होगा डब्लू, अभी ये कैसा मूव होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखा मैंने, अभी लोड, लोड क्या रहेगा डब्ल्यू इंटू एल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा डब्ल्यू इंटू एल बाय टू, डब्ल्यू इंटू एल बाय टू और इंटू, अभी यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए इतना आपका एल बाय टू है, इतना आपका कितना है एल बाय टू, तो इतना कितना होगा एल बाय फोर है ना, तो यहां पर एल बाय फोर इक्वल टू जीरो, अब यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा माइनस एच इंटू एच, सिंप्लीफाई करने के बाद डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू टू जो फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर टू जो एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमको फाइंड क्या करना है नॉर्मल थ्रस्ट एच, तो यहां पर से इक्वल टू के बाजू का पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पर से ये यहां पर आ गया, तो कितना हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन ए, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एट कर देता हूं, क्योंकि अगर बेस सेम हो जाएगा तो आपको इजीली फाइंड करने होगा फोर इंटू टू और यहां से टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया ताकि आपको कॉमन मिल जाए, तो कितना मिलेगा अभी ये भी कितना हो गया माइनस एच इंटू एच प्लस टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर टू जो एट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, तो टू माइनस ये कुछ नहीं है मीन्स वन है, तो कितना होगा टू माइनस वन इज वन, तो माइनस एच इंटू एच प्लस टू माइनस वन प्लस वन, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट इक्वल टू जीरो। अभी हमको एच फाइंड करना है और ये मल्टीप्लाई में यहां के डिवाइड में चले जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा कैपिटल एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर, यहां पर ऐसा लिख लो आप माइनस एच इंटू एच इक्वल्स टू, यहां पर कितना है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय एट इक्वल टू जीरो, तो आपको कैपिटल एच कितना मिल जाएगा यहां से ये मल्टीप्लाई में यहां नीचे आके डिवाइड में, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाय एट एच, ये आपका मिल गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट सेम लेवल इफ राइज इज एच इन केस वन, ये केस वन के लिए। केस टू के लिए अगर केस टू के लिए क्या होगा क्या बोल रहा है, अगर इसी को एच को आप हाफ कर दो, देखो यहां पर लिखा हुआ है इफ सेंटर राइज इज हाफ, केस टू के लिए आपको हाफ करना है, अगर मैं इसको हाफ ले लेता हूं तो यहां पर एच बाई टू हो जाएगा है ना, ये मिटा देता हूं मैं आपको, ये रख करके फिर से बता देता हूं, अभी अगर मैं यही केस टू के फॉर केस टू अगर आपका राइज जो है हाफ हो जाएगा मतलब एच बाई टू होगा, तो कितना होगा नॉर्मल थ्रस्ट वो आपको प्रूफ करने बोला है क्वेश्चन में, तो अभी वापस से आपको मोमेंट लेना पड़ेगा, समेशन एट मोमेंट एट सी इक्वल्स टू जीरो, क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, तो माइनस अभी ये एच यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो माइनस एच इंटू, अभी ये यहां पर एच बाय टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है एच बाय टू, तो हाफ लिए ना हमने तो एच बाय टू, अभी यहां पर डब्ल्यू एल बाय टू रिएक्शन क्या मिला आप लोगों को प्लस डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एल बाय टू, फिर यूडीएल का माइनस एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है डब्ल्यू इंटू एल बाय टू इंटू एल बाय फोर इक्वल टू जीरो है ना, अभी यहां पर एच बाय टू ले लिया, सिर्फ चेंजेस क्या हुआ यहां पर एच बाय टू ले लिया मैंने, ठीक है। अभी यहां पर क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद माइनस एच इंटू एच बाय टू, अभी यहां पर मैं सेम इसको क्या करूंगा बेस सेम करूंगा तो क्या होगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर, अगर मैं यहां पर टू टू सा फोर इसको टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही ताकि ये सेम हो जाए और माइनस करने पर सिंप्लीफाई करने पर इजीली आपको आंसर मिल जाए, तो डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर टू सा एट, ठीक है।
अभी ये 2 माइनस 1 सेम, तो माइनस एच इंटू एच बाई 2 प्लस 2 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1 है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, तो 2 माइनस 1 इज 1। यहां पर आपका कितना हो जाएगा माइनस एच इंटू एच बाई 2 और यहां 2 माइनस 2 माइनस 1 कितना होगा गाइस 1, तो एक की बार लिखूंगा मैं डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 इक्वल टू 0 माइनस एच, तो यहां पर आपको कितना मिलेगा कैपिटल एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, अब ये एच यहां पर आके डिवाइड में होगा है ना, ये मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में होगा तो कैसे हो जाएगा यहां पर 2 यहां पर एच, तो 2 वन जा 2 फोर जा, तो कितना मिला अपने को एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4h, मतलब ये कितना मिल रहा है आपको हाफ ऑफ द एच, तो एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच। तो गाइस अपने को एच कितना मिल गया एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एच। ठीक है, ये किसके लिए केस 2 के लिए था, ये किसके लिए था केस 2 के लिए, और केस 1 के लिए हमको क्या मिला था केस 1 के लिए एच आपकी एच की वैल्यू कितनी मिली थी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच, और केस 2 के लिए एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4 एच ये मिला था। यानी आपको क्या मालूम पड़ा इसका आधा हो जा रहा है ना, जब राइस आप आधा कर रहे हो तो एच कितना हो जा रहा है आपको इसका आधा, ये आपको प्रूफ कर रहा था। ठीक है, तो गाइस ये था आपका सिंपल, आपको प्रूफ करना था ये केस 1 के लिए, अगर आप इसको अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप केस 1 में एच को एच 1 ले लो और केस 2 में एच को एच 2 ले लो है ना, तो आपको यहाँ पर सेम एच 2 लेंगे केस 2 के लिए, तो यहाँ पर सेम आपको एच 2 जो अगर इसको एच 1 ले लो तो इसको एच 1 ले लो, तो यहाँ पर एच 2 सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करने बोला था। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपको और कुछ अपलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए ताकि मैं आपको और न्यू वीडियोस अपलोड कर सकूँ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। चैनल नाम है आर एजुकेशनल रॉकस्टार।